नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं इन खबर। अभी एंटरटेनमेंट से खबर आ रही है, सलमान खान की मेजबानी में लगभग 2 महीने तक स्ट्रीमिंग ऐप जियो सिनेमा पर चले बिग बॉस OTT सीजन 2 को उसका विनर मिल गया है। 14 अगस्त की रात शानदार ग्रैंड फिनाले का आयोजन हुआ, जिसमें विनर के नाम से पर्दा उठा और इस बार जनता ने एल्विश यादव को अपना विजेता चुना, जिसके बाद उन्हें बिग बॉस की चमचमाती ट्रॉफी दी गई। साथ ही उन्हें 25 लाख रुपए भी मिले। 17 जून से जब ये शो स्ट्रीमिंग हुई थी, तब उस समय कुल 13 कंटेस्टेंट बिग बॉस OTT के घर में शामिल हुए थे, जिनमें से पुनीत सुपरस्टार घर से बेघर होने वाले कंटेस्टेंट थे। उनकी हरकतों का हवाला देते हुए 24 घंटे के अंदर ही शो से बाहर कर दिया गया था। वहीं फिर एक एक करके बाकी कंटेस्टेंट भी एविक्ट होते चले गए, सबको निकाले जाने लगा। आखिर में फिनाले में यूट्यूबर एल्विश यादव, फुकरा इंसान फेम अभिषेक मल्हान, बिहार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे और बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने जगह बनाई। वहीं अब बाकी फाइनलिस्ट को पीछे छोड़ते हुए एल्विश यादव ने इस सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनली सलमान खान ने उन्हें अपने हाथों से बिग बॉस OTT की ट्रॉफी सौंपी। बिग बॉस के विनर का चयन ऑडियंस के वोटिंग के आधार पर होता है। कुछ दिन पहले ही वोटिंग शुरू की गई थी, जिसमें जनता ने एल्विश यादव को सबसे ज्यादा पसंद किया और सपोर्ट किया और उन्हें भारी संख्या में वोट देकर उन्हें विजेता बना दिया। आपको बता दें, पहले सीजन की विनर दिव्या अग्रवाल रही थी, एल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, बेबिका धुर्वे, पूजा भट्ट और पुनीत सुपरस्टार के अलावा अविनाश सचदेवा, पलक पुरस्वानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया, आकांक्षा पुरी, जिया शंकर, फलक नाज, जाद हदीद, साइरस ब्रोचा बिग बॉस OTT के कंटेस्टेंट में शामिल थे। एल्विश शुरुआत से शो का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी। इनके साथ एक्ट्रेस आशिका भाटिया भी वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई थी, लेकिन फिनाले से पहले वो बेघर हो गई थी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही, और भी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।